सो ये पढ़ रहे थे, साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर, तो अपने क्या पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। जैसे मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो ए बी सी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट नंबर्स होने चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। तो ए बी सी हो सकता है कि या तो रियल कांस्टेंट हो या तो इमेजिनरी कांस्टेंट हो। रियल कांस्टेंट मतलब रियल नंबर्स, जैसे रैशनल एंड इरेशनल, जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर मतलब ए प्लस आई बी वाले टाइप, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम लोग उनके रूट्स के बारे में देखते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी होती है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और तीसरी पॉसिबिलिटी है रूट्स आर नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, नॉन रियल रूट्स। सो ये जो है ये हम लोग टेंथ में पढ़ते आए, टेंथ में तुम लोग ने पढ़ा होगा ना नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर नॉन रियल। अच्छा, इमेजिनरी कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है, आयोटा? हाँ, मतलब इमेजिनरी नंबर का तो आयोटा से सिग्निफिकेंस होता है, तो इमेजिनरी कॉन्स्टेंट्स में मतलब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या रियल एंड इक्वल होगा या नॉन रियल होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रूट रियल हो जाए और एक रूट नॉन रियल हो जाए। जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी क्या थी कि बोथ नॉन रियल रूट्स। ओके, अच्छा, जब हमारे कॉन्स्टेंट्स रियल है तब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स कैन बी फाउंड बाय द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ रूट्स कैन बी फाउंड बाय द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, कब, जब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम लोग रूट्स को क्या कहते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स आर नॉन रियल। सबसे पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर।
यस सर, ये चीज जो है लोग ने टेंथ में पढ़ी है ना? यस सर, ये चीज तुम लोगों ने टेंथ में या नाइन्थ में जिसमें भी पढ़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो मेजर एम्फेसिस है इस टॉपिक में वो ये वाला है, कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो रूट्स आर नॉन रियल। तो अब एक जैसे मान लो मैं एक क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लू, से अपना क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स निकालने के लिए मैं क्या करता, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, मतलब माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस इलेवन अपॉन टू। अच्छा, रूट ऑफ माइनस इलेवन को हम लोग आई टाइम्स रूट इलेवन लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने उस समय सिखाया था जब हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, मैंने लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि रूट ऑफ माइनस इलेवन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ इलेवन, और रूट ऑफ माइनस वन को ही तो हम लोग क्या कहते थे, आई कहते थे, आयोटा। सो आयोटा टाइम्स रूट ऑफ इलेवन। तो ये जो दो रूट्स बने, एक रूट क्या बन गया, वन प्लस आई रूट इलेवन बाय टू, दूसरा रूट क्या बन गया, माइनस वन माइनस आई रूट इलेवन बाय टू, ठीक है। या इफ यू सी, जैसे ये माइनस वन बाय टू प्लस आई रूट इलेवन बाय टू है, अगर टू से डिवाइड कर दो एंड माइनस वन बाय टू माइनस आई रूट इलेवन बाय टू, तो हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं क्या, कि अगर एक रूट ए प्लस आई बी टाइप का है जिसमें इसको ए कह दिया और इसको बी कह दिया, तो जो दूसरा रूट होता वो ए माइनस आई बी टाइप का ही होता, sir। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? सब लोग एक बार क्विकली सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है हम लोग को, सो कमेंट करो चैट बॉक्स में ये पॉइंट क्लियर है। चार्ट डिसेबल्ड है, हम गौरव बिरानी सर को अभी दिए, मैंने वो कर दिया था, एनेबल कर दिया था चैट वैसे तो। देखो आ तो रहा है, अच्छा। अब होता क्या है कि जो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी जो होते हैं, दे आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि 2 प्लस 3 आई का कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो बस तुमको क्या करना है, जो i वाला टर्म है उसका साइन चेंज करना है, 2 माइनस 3 आई। कोई मेरे से पूछे रूट 2 माइनस 3 आई, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो मेरे को बस i वाले का ही साइन चेंज करना है, माइनस रूट 2 प्लस 3 आई, ये इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। कितनी बात समझ में आई? ओके, सो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब एक ये इम्पोर्टेंट नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, कि इफ अ क्वाड्रेटिक हैविंग real
coefficient if a quadratic having real coefficient. देखो coefficient real होना जरूरी है. अगर coefficient non real हो गया, imaginary हो गया, तो फिर तो बहुत सारी possibility बन सकती है. तब हम लोग ऐसा कोई solid deduction नहीं कर सकते. If a quadratic having real coefficient has imaginary roots, then they always occur in conjugate pair. ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के जिसके कोफिशियंट्स रियल हैं, उसके अगर इमेजिनरी रूट्स हैं, तो वो जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कि a quadratic having real coefficient has one root 2 plus 3i, then find that quadratic. Then find that quadratic. हम लोग को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है. सर तो अलग अलग मतलब एक पहला रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला रूट 2 प्लस 3 आई होगा और दूसरा 2 माइनस 3 है, तो उनको मल्टीप्लाई करना है ना. नहीं नहीं देखो, एक रूट तो 2 प्लस 3 आई है ही, तो क्योंकि ये एक नॉन रियल रूट्स है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोफिशिएंट्स रियल है, इसका मतलब दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आई. ठीक है sir, अच्छा याद है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नहीं नहीं याद है, ये सिखाया था कि अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं,
एक्स स्क्वायर बोलो अल्फा प्लस बीटा हेलो हेलो साउंड आ रही है हाँ सर यस सर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी याद है ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बोलो भाई सब यस सर पढ़ाया है ना यस सर मैं भी कन्फर्म ही कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मिस कर गया हूँ अच्छा एस मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा तो जब तुम सम ऑफ द रूट्स निकालते तो 3i और 3i तो कैंसिल हो जाते और 2 और 2 ऐड हो जाते और p बोले तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i सो व्हाट यू विल गेट अब देखो a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 9i स्क्वायर अच्छा आई स्क्वायर खुद क्या होता था माइनस वन होता था तो 4 माइनस 9 टाइम्स माइनस 1 आई स्क्वायर माइनस 1 क्यों होता था क्लियर है ना क्योंकि आई को ही तो हम लोग रूट ऑफ माइनस 1 डिफाइन करते थे तो 4 प्लस 9 13 ठीक है सो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या होगा Required quadratic will be x square minus sx plus p is equal to 0 yeah x square minus 4x plus 13 is equal to 0 यही अपना आंसर हो गया की वैल्यू हमने पहले डाल सकते हैं क्या कह रहे हो i की वैल्यू पहले डाल सकते हैं स्टार्टिंग में i की वैल्यू देखो i की वैल्यू कभी हम लोग ऐसे इन जनरल रूट ऑफ माइनस वन ऐसे नहीं लिखते हम लोग जब आई स्क्वायर बनता है ना तब माइनस वन लिख देते हैं अगर कहीं आई है तो उसको आई की तरह ही रहने देते हैं एक बार आई है तो उसको आई की तरह ही रहने दिया अगर हाँ आई स्क्वायर बन गया तब उसको माइनस वन लिख दिया ठीक है सो इज दिस फाइन ये क्वेश्चन सबको समझ में आया यस सर एक बार सब लोग चैट बॉक्स में लिख लो भाई बताओ यस सर ओके तो अब बताओ ट्रू एंड फॉल्स है कि फॉर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा देन अदर रूट must be alpha minus I beta. True. Sir, false होगा. False. Sir, true. हर बार होना जरूरी है क्या? False sir. False. False क्यों? False वाले बताओ क्यों false है? सर जरूरी नहीं हमेशा हो हाँ वही कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए वो मेंशन नहीं किया हाँ ये बोला जिसने वो सही बोला कि जब कोएफिशिएंट्स रियल होंगे तब ये श्योर शॉट होगा तो यहाँ पे तो क्या कोएफिशिएंट्स के बारे में इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या कि कोएफिशिएंट्स रियल है या नॉन रियल है या इमेजिनरी है नहीं बोला सो मैं क्या कहूँगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है
बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोफिशिएंट इज नोन. Because no information regarding coefficient is known. ठीक है. अच्छा, अगर मेरे को इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना होता तो मेरे को क्या करना पड़ता? क्वेश्चन में क्या चेंज करना पड़ता? मेंशन करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स रियल है. रियल है. इफ आई वांट टू मेक दिस ट्रू तो हम लोग को ऐसा लिखना पड़ता कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स. इफ वन रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस आई बीटा. तब जाके ये वाला जो है ट्रू हो जाता. तब जाके क्या हो जाता है, ये वाला ट्रू. ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो. यस सर. ओके, मैं एक मिनट आया. देखो अच्छा, ऐसा ही कुछ इरेशनल रूट्स के लिए होता है. ठीक है, लेकिन उसके लिए जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो रियल होने चाहिए, तो इरेशनल के लिए कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए. सो नेक्स्ट नोट है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ कोफिशिएंट्स आर रैशनल एंड इफ वन रूट इज पी प्लस रूट क्यू देन अदर रूट must be p minus root q. ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक है जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल है, अब रियल होने से काम नहीं चलेगा, रैशनल होना इंपॉर्टेंट है. तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, p माइनस रूट क्यू. ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक ट्रू एंड फॉल्स हो अगर हमारे पास कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, जहां पे ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं. अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है देन अदर रूट must be alpha minus i beta. ये बताओ. True. True. सब लोग कमेंट करो चैट बॉक्स में.
ट्रू है ये. देखो अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो श्योर शॉट है कि रियल तो होगा ही, वो श्योर शॉट है कि रियल तो होगा ही. और रियल है तो अगर नॉन रियल रूट्स है तो वो लोग कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे ही. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अच्छा अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट लिखता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी सी रियल नंबर्स है, वन रूट इज अल्फा प्लस रूट बीटा, देन अदर मस्ट बी अल्फा माइनस रूट बीटा. फॉल्स. ये क्या होता? फॉल्स. ये जो है फॉल्स होता, क्योंकि इसने क्या रिक्वायरमेंट कही थी? इसने रिक्वायरमेंट कही थी कि भाई जब तक ये कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं होंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा. अब ये कोफिशिएंट बस रियल है तो हो सकता है कि इरेशनल भी हो जाए, तो इरेशनल के लिए ये वाली प्रॉपर्टी तो ट्रू है नहीं. इट मींस दिस इज फॉल्स. सबको समझ में आया ये वाली चीजें? इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. तो आई थिंक अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए. साउंड कर देता है. अब देखो और हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं. ये सब टॉपिक कौन सा चल रहा है? नेचर ऑफ रूट्स. सो अब एक नोट है ये. इन अ क्वाड्रेटिक हैविंग रियल कोफिशिएंट्स नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हो सकता है? मतलब पहले वैसे तो बता चुके थे और फिर से बता रहे हैं पर real and distinct, real and equal and non-real roots. Non-real को हम लोग complex roots भी कहते हैं, imaginary roots. So कोई सी quadratic equation में product of both roots can be positive in all three cases, but if the product of roots is negative, then it is possible only for real and distinct roots. ठीक है.
सो अब देखो इफ ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन देन product of roots is positive and if a and c are of different signs then product of roots is negative. ठीक है. So, अब मेरी बात सुनो. जैसे मान लो ये लिख लिया तुम लोगों ने सबने जो भी ये लिखाया नो नो सर एक बार जल्दी से लिख लो. बॉक्स हटा है. हाँ चलो हो गया. अब देखो क्या बोला जा रहा है. जैसे अपना कोई क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी अपॉन ए हो गया. इनटू बीटा क्या हो गया सी अपॉन ए. तो अब अगर अल्फा इनटू बीटा पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है सी अपॉन ए पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब है ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन. ठीक है या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि a इंटू सी भी पॉजिटिव होता है. कहा जा सकता है. यस सर. यस सर. अच्छा अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात करें किसी क्वाड्रेटिक के क्योंकि तो किसी भी क्वाड्रेटिक का जो नेचर ऑफ रूट्स है उसको बताने के लिए सबसे पावरफुल आदमी कौन है डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है. अच्छा बी स्क्वायर मतलब समथिंग पॉजिटिव माइनस फोर ए सी मतलब समथिंग पॉजिटिव. क्यों क्योंकि ए सी भी पॉजिटिव है. अच्छा पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होता है. पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. थ्री माइनस टू टू माइनस टू टू माइनस थ्री. ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कुछ भी बन सकता था. पॉजिटिव भी बन सकता था जीरो भी बन सकता था नेगेटिव भी बन सकता था. तो एग्जैक्टली नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा हम लोग उसके बारे में बता सकेंगे क्या अगर हम लोग को कोई बोले कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट नेचर ऑफ रूट्स. एग्जैक्ट नेचर ऑफ रूट्स बताने का क्या मतलब बोलने का क्या मतलब है कि मैं स्पेसिफाई कर दूं कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल या नॉन रियल. क्योंकि तीनों पॉसिबिलिटी है इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या कहती रियल एंड डिस्टिंक्ट.
अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता तो क्या होता, रियल एंड इक्वल, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता तो नॉन रियल. सो कैन वी राइट समथिंग लाइक दिस, इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज पॉजिटिव देन वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स. क्या ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते. कमेंट करना मतलब कि स्पेसिफिकली बोलना कि नहीं ये वाला ही होना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव होता, ये पहला पॉइंट था हमारा. अब दूसरा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव होता, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि सी बाय ए नेगेटिव होता, इसका मतलब ए एंड सी ऑपोजिट साइन के होते. इसका मतलब क्या होता, ए इंटू सी क्या होता, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती. अगर ए और सी ऑपोजिट साइन के है, ए इंटू सी क्या होता, एक नेगेटिव क्वांटिटी होती. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. अच्छा, तो बी स्क्वायर का क्या मतलब है, पॉजिटिव, माइनस फोर ए सी. अब ए सी इटसेल्फ वाज नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेंट क्या बन के आया, पॉजिटिव. तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इकलौता साइन लिया, तो यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो देयरफॉर इफ product of roots is negative, then roots of that quadratic will always be what, real and distinct. तो अगर कोई मेरे को आके बता दे कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है और आप नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट कीजिए, तो मैं कहूँगा कि भाई तुम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट. लेकिन अगर कोई बता दे कि सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है किसी क्वाड्रेटिक के और इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कमेंट कीजिए, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि रूट विल ऑलवेज बी रियल एंड. इतना समझ में आया, थोड़ा थोड़ा स्क्रीन ऊपर करोगे? हाँ, एक बार सब लोग चैट बॉक्स में बताओ कि ये पॉइंट क्लियर है. सर, सर, हाँ बोलो. मैं मैसेज ही नहीं कर पा रही. तुम बोल दो, समझ में आया? हाँ. देखो मैं हाय लिखता हूँ, उस पे तुम मैसेज करो. गया मैसेज? अभी भी अब मैसेज हो रहा है कि नहीं तुम्हारा? नहीं हो रहा अभी भी, मेरे को केमिस्ट्री सर का ही आ रहा है. एवरीवन पे क्लिक करना पड़ेगा. हाँ, एवरीवन पे क्लिक करते तो एवरीवन का चार्ट आ जाएगा.
चलो हम लोग आगे बढ़े। अब देखो आगे सुनो मेरी बात। जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, और ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो इससे हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए प्लस बी कोएफिशिएंट रियल से, हाँ मतलब ए बी सी रियल है, वो तो है ही, ए बी सी रियल है, तो हम लोग इससे ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक, या x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अग्री करोगे? जैसे मान लो इसमें तुम x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो इधर a प्लस बी प्लस सी बन गया LHS में, और RHS में क्या है? जीरो है। अच्छा, क्योंकि गिवन है a प्लस बी प्लस सी जीरो, इसका मतलब LHS इज जीरो एंड RHS इज जीरो, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 के कारण LHS और RHS इक्वल हो गए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 is a root of this quadratic. ये पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. तो जैसे मान लो कि एक, हाँ सर लिखना, चलो तो अब जैसे मान लो कि एक क्वाड्रेटिक है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, सो व्हाट कैन बी द रूट of this quadratic by just observation. X is equal to 1. X equals to 1. देखो अगर इस क्वाड्रेटिक में लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और सारे के सारे कैंसल होने लगेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, जीरो, और राइट हैंड साइड क्या आ गया, जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 is a root. ठीक है, इसका क्या मतलब है, x is equal to 1 is a root. Fine. तो अच्छा, अगर एक रूट किसी क्वाड्रेटिक का रियल है तो दूसरा रूट भी उस क्वाड्रेटिक का रियल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे होते तो वो तो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते। अगर नॉन रियल रूट्स
यहाँ पे मेरे को स्पेसिफाई कर देना चाहिए ए बी सी आर रियल नंबर्स. देखो किसी क्वाड्रेटिक का जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो क्या क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नॉन रियल. और ये दो रूट्स के बारे में बात की जा रही है. किसी भी क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं ना. तो कहीं मैंने ऐसा लिखा क्या कि एक रियल प्लस एक नॉन रियल? नहीं लिखा. कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एक रियल प्लस एक नॉन रियल. और ऐसा हो भी नहीं सकता कि किसी क्वाड्रेटिक का जिसके कोफिशिएंट्स रियल हो उसका एक रियल रूट हो और एक नॉन रियल रूट हो, क्योंकि नॉन रियल रूट हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स. नॉन रियल रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. एंड व्हाट काइंड ऑफ पेयर? कॉन्जुगेट पेयर. ठीक है. सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, एज अ नोट, एज अ पार्ट ऑफ नोट, कि इफ पर्टिक्यूलर value of x satisfies particular real value of x satisfies the equation, then both roots of the equation of the quadratic equation will be real. जो वाला नोट समझ में आया? मतलब एक रूट अगर रियल हमको दिख गया, किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट हमको रियल दिख गया, तो दूसरा रूट भी 110% रियल ही होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा रूट नॉन रियल हो जाए. अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए या रियल एंड इक्वल हो जाए. ये दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में रियल ही होगा. ठीक है. तो अगर मेरे को कहीं से भी एक रूट भी रियल दिख गया, इसका मतलब ये रियल रूट्स वाला क्वाड्रेटिक है. तो इतना क्लियर है? तो अब समराइज करके लिखते हैं जो हम लोग ने दो तीन पॉइंट्स पढ़े उसको समराइज करते हैं. कि इफ अ क्वाड्रेटिक नहीं टू शो अ quadratic has real roots, it can be done in three ways. इसको तीन तरीके से कर सकते थे कि या तो मैं ये शो कर दूं कि discriminant greater than zero हो जाए, या तो मैं ये शो कर दूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन जीरो हो जाए, या तो मैं ये शो कर दूं कि अ पर्टिक्यूलर रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये चीज क्लियर है तुम लोग को? फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किया जाए. सब लोग बोलो, सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो. एवरीवन प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स कि
ओके अब देखो सो क्वेश्चन है कि जैसे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रियल पहला पार्ट है साउंड बंद करो पहला पार्ट वही है चलो a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो देयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल कॉन्स्टेंट्स चलो कितने लोग का हो गया सॉल्व देखो तुमको क्या सोचना है तुमको सोचना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से मैं कौन सा पॉइंट अप्लाई कर सकूं जिससे एक रियल रूट आ जाए हमको कुछ वैसे टाइप में तो इसमें क्या कर सकते थे थर्ड वाला पॉइंट थर्ड वाला जैसे x इज इक्वल टू 1 जो है वो LHS को क्या बना रहा होता a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए जो कि जीरो है और RHS तो इटसेल्फ जीरो है ही इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक रूट है और क्योंकि 1 जो है वो एक रियल नंबर है x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट और वो रियल नंबर है देयरफॉर अदर रूट विल आल्सो बी रियल या तुम ऐसे भी देख सकते हो जैसे मान लो इसका एक रूट जो है जैसे a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इसका एक रूट 1 है मान लो दूसरा रूट अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो सी अपॉन ए तो सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी अच्छा ये भी रियल है और ये भी रियल है तो ये भी ओवरऑल क्या बन जाएगा रियल नंबर बन जाएगा तो यहां से प्रूव हो गया Therefore, both roots are real. दोनों roots हमारे क्या क्या हैं? Real है. ये समझ में आया? पहला वाला example समझ में आया सबको? Yes sir. सर हम लोग last वाला condition को लेके भी prove कर सकते हैं ना? हाँ तो वही लास्ट वाली कंडीशन को लेके ही प्रूफ किया ना मैंने थर्ड वाली को फिर मतलब मैंने कन्विंस करने की कोशिश की तुम लोग को ये समझा कि दूसरा रूट भी रियल क्यों होगा वो कन्विंस करने की कोशिश की कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो दिस अपॉन दिस होता मतलब सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी होता और ए बी सी ऑलरेडी रियल नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया होता रियल हो गया होता सबको समझ में आई बात एवरीवन यस सर यस सर हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
अच्छा नेक्स्ट है मतलब सेकंड पार्ट एक तरीके से चलो इसको प्रूफ करना है अगेन वही ए बी सी रियल है नहीं हमको तो ये प्रूफ करना है कि हमेशा रियल रूट्स होंगे ही देखो क्वेश्चन पढ़ो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द रूट्स आर रियल मतलब डेफिनेटली रियल तो है ही बस तुमको शो करना गुड सर x इज इक्वल टू हाफ हाफ नहीं देखो x इज इक्वल टू हाफ अगर पुट करते हैं तो तुम क्या बनते 4 1 बाय 4 माइनस हाफ ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा होता देखो c और b कैंसिल नहीं हो रहे होते तो हाफ नहीं पुट करेंगे हम लोग क्या पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस हाफ तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे LHS क्या बन गया देखो माइनस हाफ का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय 4 4 4 कैंसिल हो गया a माइनस b माइनस हाफ मतलब 2 2 कैंसिल हो गया प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a कैंसिल होके 0 बन गया और RHS तो जीरो है ही तो क्योंकि एक रूट रियल है देयरफॉर अदर रूट विल आल्सो बी रियल अदर रूट विल आल्सो बी रियल ठीक है अच्छा थर्ड पार्ट a माइनस बी एक्स स्क्वायर 3a प्लस 2bx प्लस 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 0
X is equal to minus 2. देखो x इज इक्वल टू माइनस टू अगर पुट करते हैं तो LHS क्या था, 4a माइनस 4b माइनस 6a माइनस 4b प्लस 2a प्लस 8b, तो 4a प्लस 2a 6a, फिर ये माइनस 6a, माइनस 4b माइनस 4b मतलब माइनस 8b, फिर ये प्लस 8b, तो सब लोग कैंसिल हो गए, जीरो हो गए। ठीक है, फोर्थ पार्ट, a square x square plus 2bx minus c square is equal to 0. फोर्थ वाले को बताओ कहां x इज इक्वल टू 1 कहां कैंसिल थोड़े कर रहा है, टू भी कहां कैंसिल करेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया जो कि नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव भी क्या बताता था, ये रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल वाला तो काम चला ही दिया और साथ में और ये भी बता दिया कि डिस्टिंक्ट भी है। समझा सबने? पांचवा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी,
ये दो क्वाड्रेटिक है देन प्रूव दैट एट लीस्ट टू रूट्स आर रियल. मतलब ये वैसे तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, डिग्री फोर का बनेगा. तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एट लीस्ट टू रूट्स आर रियल. सर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी का रियल रूट्स होंगे क्योंकि नेगेटिव है माइनस सी. तो यहाँ पे ये थोड़े बताया गया है कि ए और सी पॉजिटिव या नेगेटिव है, ऐसा बोला गया क्या कि ए और सी पॉजिटिव या नेगेटिव है? ये बोल रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए आ गया. अब ऐसा नहीं कि किसी चीज के आगे माइनस लगा देने से वो चीज ओवरऑल नेगेटिव हो जाती है, हो सकता है कि ये पॉजिटिव भी हो जाए. चलो अब देखो इसको कैसे करते हैं लोग. जैसे ये जो है वो डिग्री फोर का पॉलिनोमियल आता है, तो इसके रूट्स कैसे आते हैं? जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से दो रूट्स आते हैं, मान लो अल्फा बीटा एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इससे मान लो दो रूट्स आते हैं गामा डेल्टा. तो तभी तो जाके ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस पूरे डिग्री फोर के पॉलिनोमियल का रूट्स होते हैं. ठीक है, तो अब अगर तुम देखो तो मैं अगर अल्फा इंटू बीटा निकालू तो वो सी अपॉन ए आ गया, और अगर मैं गामा इंटू डेल्टा निकालू तो वो माइनस सी अपॉन ए आ गया. तो इस बात से अग्री करोगे क्या कि अल्फा इंटू बीटा एंड गामा इंटू डेल्टा दोनों ऑपोजिट साइन के हैं? अल्फा इंटू बीटा एंड गामा इंटू डेल्टा आर ऑफ ऑपोजिट साइन. इसका मतलब इनमें से कोई एक प्लस होगा और कोई एक माइनस होगा. इट मींस वन ऑफ देम will be positive and other be negative. अच्छा जैसे मान लो अल्फा बीटा पॉजिटिव है और गामा डेल्टा नेगेटिव है, मान लो. अच्छा गामा इंटू डेल्टा नेगेटिव है, इससे क्या पता चला? ये जो ये वाला क्वाड्रेटिक होता इसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं.
इस वाले क्वाड्रेटिक के क्या होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। अच्छा अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, तो ये तो रूट्स के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करता, नो कमेंट ऑन रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव होने से रूट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं होता। तो हो सकता था कि यहाँ से रियल रूट्स आ भी जाए, हो सकता था कि यहाँ से रियल रूट्स ना भी आए, लेकिन कम से कम इस बात की तो गारंटी है ना कि यहाँ से दो रियल रूट्स आएंगे ही। Therefore, this equation will have at least two real roots. क्वेश्चन में ये बोला सकता है कि prove that at least two roots are real. एक बार देखो फिर से समझो, तो लिखा हुआ है पूरा, समझ में आया इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन? हेलो, यस सर। किसको किसको डाउट है? सबको समझ में आ गया? देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, जैसे ये वाला क्वाड्रेटिक है, इसको इक्वल टू जीरो करो, इससे अल्फा बीटा मान लो रूट आ गए। फिर ये वाला क्वाड्रेटिक है, इसको इक्वल टू जीरो करो, इससे मान लो गामा डेल्टा रूट आ गए। तो ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही चार रूट होते जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते और वो डिग्री फोर का पॉलिनोमियल बन रहा होता। अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो मैं अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन ए। गामा इंटू डेल्टा क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी अपॉन ए। अब देखो एक के सामने प्लस लगा, एक के सामने माइनस लगा, तो मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइन के तो होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इसका मतलब इनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मान लो अल्फा बीटा पॉजिटिव हुआ और गामा डेल्टा नेगेटिव हुआ, अज्यूम किया कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में अल्फा बीटा को पॉजिटिव माना, गामा डेल्टा को नेगेटिव माना। अच्छा अगर गामा डेल्टा नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव कब होता है, जब हमारे क्वाड्रेटिक के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव होने से क्वाड्रेटिक के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि गामा और डेल्टा जो है वो दो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा अल्फा बीट अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है, जो दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो उससे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते कि उसके रूट्स कैसे होंगे। उसके रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, नॉन रियल भी हो सकते हैं, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि दिस इक्वेशन विल हैव एट लीस्ट टू रियल रूट्स। यहाँ से तो दो रियल रूट्स दिख ही रहा है, अब यहाँ से जो रियल ऐड हो जाए वो हमारे लिए एटलीस्ट का काम कर जाएगा।
ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। तो आज हम लोग ने वही पढ़ाई है, नेचर ऑफ रूट्स की पढ़ाई पूरे क्लास में। सो एक बार बस सब लोग कमेंट कर दो कि नेचर ऑफ रूट्स, इज दिस पॉइंट क्लियर? पूरा नेचर ऑफ रूट्स समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? चल ठीक है। तो आज सर, के लिए, हाँ? अगर इरेशनल कोएफिशिएंट्स होंगे तो रूट्स? कोएफिशिएंट्स इरेशनल होंगे तब भी कोई इशू नहीं, कोएफिशिएंट्स रियल है ना, तो रियल में रैशनल भी चलता है और इरेशनल भी चलता है, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट्स नॉन रियल होंगे तो फिर हम लोग रूट्स के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट से रूट के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे डिस्क्रिमिनेंट ही खुद कॉम्प्लेक्स नंबर आने लगेगा या इमेजिनरी नंबर जो भी बोलो, ठीक है। और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में सीखेंगे, जब कोफिशिएंट्स नॉन रियल है। तो जो भी बातें होंगी वो रियल कोफिशिएंट के लिए होंगी, और तुम क्वेश्चन जब पढ़ोगे तब तुम ध्यान से देखोगे भी तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफ द कोफिशिएंट्स आर रियल, इसका मतलब ये सब बातें एप्लीकेबल होंगी। अगर कोफिशिएंट्स नॉन रियल है तो एक तो वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा और फिर उसमें ये सब बातें एप्लीकेबल करा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है अपने आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ही तो क्लास है ऐसे तो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक। तो आज के नोट्स रिवाइज कर लेना, मैं तुम लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा।